बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कोई भी मत जाना रे, यहाँ सब इंतजार करो। छोटू चिंगारी भाई बोले हैं कि आते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये बोल दिए तो मिलेंगे, इंतजार करो सब। अच्छा, और एक पुलिस उठा कर लेके लोग रे। नहीं, ये बोल रहा था कि सब इंतजार करना, ब्रेक के बाद आकर मिलेंगे। हम लोग इंतजार में बैठल रह गए और इसको पुलिस उठा कर लेके। अच्छा नहीं भैया, छोटू चिंगारी भैया, तोरा में अब पावर खत्म है। पावर सही है बोलता है पवन सिंह कि हमरे पास पावर है और हमरे पास रही झमकाबला से वही। नहीं, हमको एक बात समझ नहीं आया कि इसको पुलिस क्यों पकड़ कर ले गया। नहीं समझ में आया, लेकिन समझते समझते हमको एक बात समझ में आ गया कि यार छोटू चिंगारी बहुत बड़का क्राइमर लड़का है। ये क्या कर दिया है कि बाइक जो होता है ना, दुपहिया बाइक, उसको चुरा लिया। बाइक चुरा लिया, उसके बाद पुलिस आया, इसको पकड़ लिया और पकड़ कर अभी थाना ले जा रहा है। और थाना ले जाने के बाद आएगा, क्या कार्रवाई होगा आप लोग तो जन्मे करते हो। इस सब से हमको हैरानी नहीं हुआ, हैरानी हमको जानते हो किस बात से हुआ कि पवन सिंह भी ये चोर छोटा के साथ फोटो खिंचवाई ले है, वीडियो बनाए ले है। मार दे हम गोली ना बचाई प्रशासन। पवन सिंह ये चोर छोटा छोटू चिंगारी के साथ वीडियो फोटो खिंचवाई ले है। पवन सिंह के इज्जत पर पड़ेगा। और पवन सिंह का भी पावर जो है ना, अभी शिफ्ट हो रहा है पवन सिंह के पास पावर, वो पावर पवन सिंह के पास खत्म हो जाएगा, ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। पवन सिंह को अपना लेवल मेंटेनेंस करके रखना चाहिए ना, कि ये चोर छोटा चोर भी कैसा मोटरसाइकिल चुरा लिया। अच्छा। चुराई करता चार चक्का तो मान लेते कि हाँ स्कॉर्पियो चुरा लिया है, एक खेसारी लाल का डिफेंडर चुरा लिया है, तब मारबो करते कि हाँ ये चोर है, इसमें दम है। लेकिन क्या किया है, एगो मोटरसाइकिल चुरा लिया है दुपहिया। पवन सिंह ये छोटू चिंगारी के साथ वीडियो फोटो क्यों खिंचाया है, हम सब जानते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि पवन सिंह का अभी दिमागी संतुलन ठीक नहीं चल रहा है। क्या हुआ है बताते हैं। पवन सिंह देख लिया है एक हीरोइन का, और उसके बाद इनका बिगड़ गया है पूरा दिमाग का संतुलन। और उसके बाद जे मन में आ रहा है से कर रहा है, लफुआ चोर उचक्का, जिसके साथ मिल रहा है मौका उसके साथ फोटो खिंचवा रहा है, वीडियो बना रहा है, उसके साथ स्टेज शो कर रहा है, स्टेज शो कैंसिल कर रहे हैं। पवन सिंह को भी इधर उधर किसी को छूना चाहिए, लेकिन पवन सिंह बात नहीं समझते हैं, जाकर किसी को छू लेते हैं और अपना दिमाग खराब कर लेते हैं। अच्छा, एक बात जानते हो, छोटू चिंगारी इतना क्राइमर लड़का है कि ये जेल जाता है ना तो फक्र करता है, ऐसे लगता है कि जैसे अजीबो शान शहंशाह बन गया है, अब ये कुछ भी कर सकता है। इंडिया में दाऊद दूसरका दाऊद यही बन गया है, ऐसा लगता है देखने में। यार इसको सोचना चाहिए यार कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसी ही, भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम बदनाम है, उतना कोई वैल्यू देता नहीं है। और उसके बाद दो दिन वो गाना गाता है भोजपुरी इंडस्ट्री में, और उसके बाद क्या करता है कि मोटरसाइकिल चोरी करता है। आप लोग शान देख रहे हो, इसके पास कितना शान है, ऐसे फोटो खिंचवा रहा है जैसे बहुत बड़का। हाथ देखो, जेल आए हैं बउआ, दांत चलेगा दांत, और पावर पवन सिंह का छीना जाएगा और हमारे पास पावर आ जाएगा, वैसे ये रिएक्शन दे रहा है। नहीं बताओ, इस तरह का जब तक ले ऐसा ऐसा कुछ भोजपुरी के सिंगर ऐसा ऐसा हरकत करते रहेगा, तब तक ले भोजपुरी आके बढ़ने वाला है नहीं। नहीं, इसको आप लोग देख रहे हो, आप लोग स्कूल में पढ़ने जाते होंगे तो कायगो आपको टेटिया मिलता होगा, जिसको आप जितने मारते होंगे उतने बोलेगा कि मरवाई रे और मारो मरवाई रे, उसी टाइप का ये लड़का है। देखने में टेटिया है और जाता है पैसा वीडियो शूटिंग करने के लिए, गाना गाने के लिए इसके पास पैसा नहीं रहता है, जाकर मोटरसाइकिल चोरी कर लेता है, 2000 में बेच लेता है, और उसके बाद एक वीडियो गा देता है, गाना गा देता है। इस टाइप का सिंगर है भोजपुरी का। अच्छा चुप रहा, तू बहुत ज्यादा कहियो ऐसी चोरी चाकारी करते 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 कहियो चल जाए भीतर, ओकरा बाद हो जाए तो सारा गना निकलल। इस सब को सुधरना चाहिए, न सुधरना चाहिए तो इस सब को उम्र कैद होना चाहिए, ताकि ये सब भोजपुरी इंडस्ट्री को कम से कम बदनाम न करे। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हो छोटू चिंगारी के बारे में, दुपहिया मोटरसाइकिल चोरी करके अच्छा काम किया है या भोजपुरी का नाम बदनाम किया है, आप लोग कमेंट में बताओ। यूट्यूब पे देख रहे हो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन करके दबाओ, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक फॉलो करो। बाकी बात मिलते हैं किसी इसी का पार्ट टू वीडियो में, अगर आप लोग चाहते हो तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।